अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये देखें, अभी जो रात का टाइम है और अपने कबूतरों को और सारी मुर्गियों को खाना दे दिया हुआ है, और अभी ये पेयर जो है हमारा जिसने बच्चे निकाले हुए हैं, ये दोनों अभी यहाँ पे दाना खा रहे हैं, और माशाल्लाह से इनके बच्चे जो हैं वो आज 10 दिन के हो गए हुए हैं। ये देखें, और जो हमारा लके का पेयर है वो ये देखें, इसके नीचे भी दो अंडे हैं दोस्तों, ये भी माशाल्लाह से अंडों पे बैठा हुआ है। और आप लोगों ने माशाल्लाह जरूर कहना है कमेंट्स में। बच्चों की ग्रोथ जो है वो माशाल्लाह से बहुत ही जबरदस्त हो रही है और बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हैं। ये देखें, देसी मुर्गियां जो हैं यहाँ पर खाना खा रही हैं, और ये देखें, ये दो अंडे भी पड़े हुए हैं देसी मुर्गियों के, ये भी हम उठा लेते हैं। ये देखें दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मौसम की वजह से जो है वो अंडों की जो मौसम ठंडा होने की वजह से दोस्तों इनके अंडों की तादाद में भी जो है वो काफी ज्यादा फर्क आ जाता है। पहले आपको पता है कि डेली जो है वो सारी मुर्गियां जो हैं तकरीबन 6 मुर्गियां हैं, और इन 6 में से जो है 5 या 6 हमारे पास अंडे डेली आ रहे होते थे। लेकिन अभी अंडे कम आने की तादाद की वजह एक जो सबसे बड़ी है वो है दोस्तों मौसम की तब्दीली, क्योंकि मौसम काफी ज्यादा ठंडा है। और दूसरा दोस्तों, इस मौसम में जो है काफ़ी ज़्यादा मुर्गियां जो हैं वो अपने पर गिराती हैं। ये जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा पर इनके कम हैं मुर्गियों के, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखें, ये आप देख रहे होंगे कि मुर्गियों के ऊपर से जो हैं वो पर काफ़ी ज़्यादा गिरे हुए हैं, और इसी वजह से जो है इनके अंडों की तादाद में जो है कमी आ जाती है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ मजीद। ये देखें, ये हमने हफ्ते पहले जो है इसकी सफाई की थी, लेकिन ये सारी जितने भी ये फैंसी मुर्गियां भी जो हैं, इन सारों के भी जो हैं पर, ये देखें गंद आपको नजर आ रहा होगा, काफी ज्यादा गंद हो चुका हुआ है, और इनके पर जो हैं वो सारों के गिर रहे हैं। इस वजह से जो है इनके अंडों में काफी ज्यादा कमी आ जाती है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे मौसम सेट होगा तब तक इनके पर भी कंप्लीट हो जाएंगे और ये दोबारा से वैसे ही अंडे देना शुरू हो जाएंगे। और ये देखिए, वीडियो बनाने का मकसद ये था दोस्तों, क्योंकि हमारे जो पिजन्स हैं और इनके बच्चों का जो है वो 10 दिन हो गए हैं, माशाल्लाह से इनकी हेल्थ ये आप देख सकते हैं। थोड़े ही दिनों में इनके पर निकल आने हैं दोस्तों, और अभी दोस्तों आप देखिएगा कि ये जो है पेयर अभी दाना खा रहा है, और जैसे ही इनके सामने ये पानी दिया, इन्होंने पानी पीकर फौरी जो है अपने बच्चों के पास जाना है और अपने बच्चों को जो है फीड करवाना है। ये देखिएगा दोस्तों आप, ये देखें दोस्तों, अब ये जो मादी है वो यहाँ से पानी पीकर, अभी इसने खाने के बाद जो है पानी पिया है, और ये फौरी जो है अपने बच्चों के पास जाएगी उनको फीड करवाने। ये देखें दोस्तों,
ये देखें दोस्तों, इसने जो है अपने बच्चों को बुलाना शुरू कर दिया हुआ है और मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इस वजह से जो है ये काफ़ी ज़्यादा डर रही थी। ये देखें दोस्तों, इसने जो है फीडिंग कराना शुरू कर दी हुई है और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से ये अपने बच्चे पाल रही है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस आप तक बरवक्त पहुँच सकें। इसी वीडियो के साथ दोस्तों मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।